हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हुनर का तपता लोहा अदाकारी का फौलाद है। वाह, जो तूफानों का रुख बदल दे अजय में वो बात। काल काल और कलयुग भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, वो भक्त है महादेव का और कहता जय भोलेनाथ। वाह, गॉड ब्लेस। भाजी ये सब आप सोचते कब हो? अरे मतलब मेरे दिमाग में कंप्यूटर फिट है गुरु। टिक 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 टक, और कहीं कोई हसीना आ जाए तो घोड़े की तरह दौड़ता है अरबी की तरह। थोड़े दिन के लिए मुझे दे दो भाड़े पे। अरे सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे दोबारा मिलके। और जब भी अजय बाजी आते हैं, अच्छा ये हमारा ही शो है जिसमें पैदल चल के आते हैं, नहीं तो हमेशा दो घोड़े पे या गाड़ियों पे या हेलीकॉप्टर से। पर पाजी आप जब भी आते हैं चार चांद लग जाते हैं हमारे शो में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलो थैंक यू, शुक्रिया। पाजी आप खुद तो नहीं लाए अपने साथ? अच्छा अजय पाजी, सीरियस फिल्मों में तो सीरियस किरदार करते ही करते हैं, ये कॉमेडी फिल्म में भी अलग अलग किरदार होते हैं पाजी, इस फिल्म में आपका किरदार क्या है? मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया मेरा किरदार क्या है, फिल्म खत्म हो गई है। पर एक बात है पाजी, मस्ती धमाल दबा के इस फिल्म में, मतलब इतना खूबसूरत ट्रेलर है। हमने सेट पे भी इतनी मस्ती और धमाल किया बिकॉज फिल्म इतनी ज्यादा फनी है जी। हम शूटिंग करते वक्त इतना हंस रहे थे, मुझे लगता है कि अगर उतना ही ऑडियंस भी हंसेगी तो जाहिर सी बात है हम कहीं जाके कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल पाजी। अच्छा आप सब तो जानते ही हैं अजय सर की फिल्में गोलमाल 1, गोलमाल 2, गोलमाल 3, गोलमाल 4, अब टोटल धमाल, मतलब माल ही माल। तो पाजी आप फिल्म की स्टोरी भी सुनते हैं सिर्फ माल ही देखते हो? नहीं ऐसे दिमाग में आया तो पूछ लेना चाहिए। यार जितनी स्टोरियां सुनी है वो चली नहीं है, इसलिए बिना स्टोरी सुने अगर कर लो तो चल जाती है। पर पाजी आप जो भी फिल्म करते हैं वो दिलों दिमाग पर छा जाती है। अरे सर जब एक्शन करते हैं तो शेर के जैसे दहाड़ते हैं, जैसे आपका जो वो स्टेप सिंगम वाला, हाँ कितने बच्चे बड़ा करते हैं फॉलो। भाई आपके बहुत सारे फैंस ही यहाँ पे हैं जिनको ये लगता है कि वो बड़ा अच्छा आपका ये स्टेप करते हैं, मैं चाहता हूँ कि कोई शेर जैसा अच्छा दहाड़ सकता है जस्ट फॉर फन, और साथ में आपने वो जेस्चर भी करना सिंगम वाला, ठीक है? कौन है पहले करेगा? लो पहला कैंडिडेट देख लो, शेर वाला, आ जाओ आ जाओ, माइक दे दो इनको। शरीर चूहे वाला और दहाड़ शेर वाली, वहीं पे बैठे बैठे कर दो। चलो माइक लेके, हाँ दहाड़ दहाड़। अच्छा ये दोनों हाथ से नहीं, एक से कर दो, एक हाथ में माइक है, दहाड़। वाह क्या बात है, नॉट बैड है। मुझे लग रहा है ऐसे मजाक करेगा nice. मुझ पर सही निकाल दिया यार, वेरी नाइस। साथ में वो भी करना है, अच्छा एक हाथ से कर दो, एक हाथ माइक है। अबे वहां से पसीना आएगा, आवाज नहीं आएगी। है पाव किलो का शेर लेकिन धाड़ता है। आप निकालो शेर के बाद। हो ना हो तेरा शेर ना सिगरेट बड़ी पीता है। पर अच्छा था, नाइस अटेम्प्ट। हाँ जी ये तो बाल भी शेर वाले लेके आया। अच्छा ये बंदा बड़ा देखो स्टाइलिश है, अजय पाजी देखो टैटू देखो इसके, स्टार भी बनाए हुए हैं, इधर इधर दिखाओ जरा, ये देखो बाल भी कलर है, वेरी नाइस। अभी तो ठीक है, जब हो जाओगे ना बुजुर्ग हो जाओगे, जब यहाँ पे वो आ जाती ना झुर्रियाँ, ये तुम्हारे जो तारे हैं ना ये वाले, ये ऐसे लीक हो गए ना छाती पे आ जाएंगे। वेरी गुड, शेर की आवाज निकालो निकालो भाई। शेर वर्सेस सिंगम। पागल शेर है ये कोई? गाइस आप जानते हैं शेर नहीं। और सिंगम में एक बात कॉमन है, क्या पूछिए? क्या क्या पूछ तो लिया। जब शेर आता है हाँ सबकी बजा के जाता है हाँ, बट जब सिंगम आता है हाँ नाम ही काफी है यार सर का। क्या बात है। हाँ जी इनको माइक दे दीजिए। ऑल द बेस्ट। आपको बोलना कुछ पैसे आए थे? अच्छा सर मैं सिंगम स्टाइल में शेर बकरी का शिकार कैसे करता है वो मैं दिखाना चाहता हूँ। शेर बकरी का शिकार कैसे करता है? बकरी कौन है भाई? बकरी बकरी
बकरी बन जाओ यार, कोई ऐसे एक्ट में मजा आ जाएगा, ऐसे बकरी जा रही है और पीछे शेर आएगा, आज आ जाओ, अरे यार इतना मौका, इतना अच्छा एक्टिंग करने है भी, पूछ हाँ पूछ भी है, बकरी बकरी हाँ जोर से बोल, कोई डरो मत, तुम्हारा दूध नहीं निकालता कोई, बैठो सर, शिकार कैसे करते हैं, बोल मैं बोलना, अबे बोल तो सही मैं, तामाजी सटकली उधर सटकाओ, उधर कैमरा उधर है, तामाजी सटकली हाँ लग ही रहा है, अरे बकरी मर गई बेटा, वो आली रे आली, बकरी तूजा वारी आली, आ जाओ बकरी, वेरी गुड यार, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, शुक्रिया, जो भी आप करने आए भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे, शुक्रिया, थैंक यू सर जी। सर तो फिर मतलब देखिए अच्छी तरह से सबने मिलके काम किया जी, एंड मुझे कोई तकलीफ तो नहीं आई जी, और आती तो भी क्या कर लेता ऐसे हंस के, फैंटास्टिक बैंड, सबसे ज्यादा मजा इनको पता किसके साथ काम करके आया है, जानवरों के साथ, जानवर तो पहले थे ही, जानवर पहले थे, स्टार बाद में आए मैंने बोला था ये हमारे शो के लिए बने हुए हैं अच्छा रितेश भाई ने इतनी सारी फिल्में की हैं जिसमें जैसे अपना सपना मनी मनी में ये चोर बने थे, उसमें बल्फ मास्टर में चोर बने, क्या कूल है हम में अपने बॉस के कपड़े चुरा के पहनते हैं, धमाल में चोरी, एक विलन में चोरी, टैंक चोर में चोरी, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ भाई, इंडस्ट्री में आप एक्टर ही बनने आए थे कि चोर बनने आए थे? एक चीज समझ गया मैं इस इंडस्ट्री में, अच्छे रोल आसानी से नहीं मिलते, चोरी कर लेनी पड़ती है। बट ये पता क्या क्यों चोरी करता है जी? हाँ ये पहले चोरी करता है फिर प्रोड्यूसर को देता है, मुझे ले लो अच्छा हमें तो ये भी पता चला रितेश भाई कि जो अपने इंदु सर हैं ये इनके साथ ना वो वाली गेम खेलते हैं कि मैं तुम्हें ले लिया, आगे तुम दो लोगों को लाओ, आगे वो दो लोग चार लोगों को लाएंगे तो शाम तक अच्छी न्यूज आएगी तो रितेश भाई ये इसीलिए इतनी बड़ी कास्ट हो जाती इनकी, इसमें सच्चाई है कि नहीं? नहीं इनका राज यही है कि बड़ी कास्ट हो तो कम से कम वो देख लेंगे तो पिक्चर हिट हो जाएगी इतनी बड़ी स्टार कास्ट जो है इनकी जो होती है इंदु सर की फिल्मों में, तो ये बजट कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, ये गुजराती दिमाग यूज करते हैं, ही इज गुजराती ऑल्सो, प्राउड ऑफ यू सर, ईरानी हाफ ईरानी, हाँ जी वो काफी होता है, आधा गुजराती तो है ना, हाँ गुजराती आ ही जाता है, गुजराती तो 5% नहीं मान है, वो ही काफी होता है, तो ये क्या करते हैं कि ऐसे जाते हैं अजय सर के पास जाते हैं, बोलते हैं यार ऐसा है माधुरी जी काफी पैसे मांग रही हैं, बजट बढ़ गया आप थोड़ा कम कर लो, माधुरी जी के पास जाते हैं बोलते हैं अजय जी बहुत पैसे मांग रहे हैं आप पैसे कम कर लो, सर इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा मैं बोलता हूँ बट कोई सुनता नहीं है सब कॉलर पकड़ पकड़ के पैसा ले लेते तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जिस फिल्म का डायरेक्टर खुद इतना फनी हो उनकी फिल्म कैसी होगी, सर लव यू सर सर आइए बैठते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा इंदु सर सर आपकी फिल्मों का बजट ज्यादा नहीं है, जैसे जैसे हमारी रेटिंग आ रही है ना चैनल ने देखो फ्रूट ऐसे ऐसे मंगवाए हमें नाम भी नहीं आते ये कौन सा फ्रूट है रितेश भाई? हाँ जी ड्रैगन फ्रूट इसको क्या करते हैं मतलब कैसे खाते हैं इसको? मुंह से खाते हैं मुंह से पर भाई इसका क्या है न्यूट्रिशियस वैल्यू क्या है इनकी? नहीं मैंने कभी खाया नहीं, मैंने सुना है जैसे खाओगे ना ये वैसे ही निकलता है अच्छा टोटल धमाल में इतनी बड़ी स्टार कास्ट के अलावा शेर हैं, चीता है, गेंडा है, गोरिल्ला है, सांप भी हैं, तो सर फिल्म का जो सर्टिफिकेट सेंसर बोर्ड से लिया था कि पीटा से? उनसे भी लेना पड़ा और आपको पता है कि नहीं पता, आप वाइल्ड एनिमल्स इंडिया में शूट नहीं कर पाते हैं। अच्छा तो हम जो जितने भी एनिमल्स हमने शूट किए हैं वो एक्चुअल है, क्योंकि कल ही कोई मुझे फ़ोन करके बोल रहा था कि आपके एनिमल नकली दिख रहे हैं, तो मैं उसको ले जाना चाहता था जहाँ पे हमने शूट किया है
और अंदर बंद कर अंदर बंद करना चाहता था तो उसको पता चलता कि असली है नकली है। बारे बारे बात कर रहा था। इंदु जी ने भी मुझे कहा कि एक फिल्म हम और बना रहे हैं, वो प्लॉट तुम्हारे से शुरू होता है। मैंने कहा अच्छा, तो जब आप इतने सारे स्टार्स को सुनाते हैं तो यही बोलते होंगे सबको कि ये कहानी आप ही के ऊपर है, क्योंकि अकेले अकेले जाके सुनाते हैं ना। एक्चुअली आप ऑनेस्टी के साथ में हर एक को अपना रोल सुना दो जी, आप ये कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, तो मुझे लगता है मुश्किल नहीं होता है। नहीं, नहीं, मेरे को तो एक ही चीज बोली कि फिल्म में माधुरी है, मतलब डन। आपके क्या विचार है इस बारे में? इन्होंने अनिल सर को जाके बोला पिक्चर आपकी है, माधुरी जी को जाके बोला पिक्चर आपकी है, अजय सर को बोला कि पिक्चर आपकी है, मुझे आकर बोला कि तेरी पिक्चर बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये तो ये मैंने सुन रहा है कि एक्ट्रेस की तो बात कर रही, जो छोटा बंदर रखा उसको बोल रहे थे फिल्म तेरी है। अच्छा सर, जब आप सब सिंगल करते हैं फिल्म, जो आपकी अकेले की फिल्म होती है, माधुरी जी आपकी, सर आपकी, रितेश भाई आपकी, तो जब आप खुद रीटेक करते हैं, आपको लगता है कि यार ये सीन जो अच्छा नहीं हुआ मैं दोबारा करता हूँ या तीसरी बार करता हूँ, तो तब तो आप अकेले हो, लेकिन जब 10 लोग एक साथ एक फ्रेम में हैं और किसी एक की वजह से रीटेक हो रहा है, तब आप कैसे मैनेज करते हो? जैसे क्रिकेट टीम में होता है ना, एक बॉलर पिट रहा है पाजी तो सब बोलते हैं कम ऑन कम ऑन कम ऑन, तो एक्टर्स लोग क्या करते हैं? हम लोग बोलते हैं क्योंकि वो बेचारा थोड़ा जो भी होता है सॉरी यार वन मोर करते हैं, नो प्रॉब्लम यार, इट्स ओके, होता रहता है, टर्न करते। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि तीन एक्टर्स फ्रेम में होते, चार एक्टर फ्रेम में होते, और वो फोकस वाला आता है। हाँ। और सबको पता है अभी आएगा, इफ आई एम स्टैंड नेक्स्ट टू अजय, तो फोकस ऑब्वियसली अजय के नाक पे आएगा, वो फोकस होगा, तो सबको ठीक लगता है, विच इज अंडरस्टूड। वो माइक पे बोलता है ए फोकस अजय पे रखना, रखना। मैं बोलूं ये मैं जानता हूँ, मेरे स्टाफ को क्यों पता? एक्चुअली स्टाफ कल को बोल देते हो टाइम पे चाय नहीं है, स्टाफ को डांट भी नहीं सकते, अरे क्या सर फोकस तो आप पे रहता नहीं है। ये तो यार मेरा डायलॉग कैसा है? डायलॉग अच्छा था लेकिन फोकस। सवाल के थे ऑडियंस के, वो कह रहे थे कि जब पूरी टीम आई तो आप इनसे सवाल पूछिएगा जिनका जवाब आप में से कोई भी दे सकता है। सर रेडी होने में सबसे ज्यादा टाइम किसका लगता था? रेडी होने में इमीडिएटली, इमीडिएटली सर आपकी तरफ आई उंगली उनकी, रितेश की, रितेश की। अनिल सर वाय सर, जनता जानना चाहती है, कॉस्ट्यूम रेडी बट हाफ एन आवर 45 जस्ट द हेयर और ये सर, एंड आई लव हिज स्पिरिट, इट्स नॉट हाउ एम आई लुकिंग, आई एम लुकिंग डैशिंग, अप फैंटास्टिक माइंड, आज तो बट। अच्छा, और जिस दिन आप, जिस दिन आपको शूटिंग करने का मूड नहीं है ना, उस दिन आप सुबह सुबह सेट पे जाओ, अनिल जी को देखो, सोए नहीं रात को? नहीं, ठीक है, नहीं फेस थोड़ा, चले जाओ कोई और जाके बोल दिए, घर चले जाते। कल करेंगे। बट आज भी जितने बजे भी शूटिंग हो, सुबह 4 या 5 बजे उठ के ही गोज फॉर अ जॉग, ही वर्क्स आउट, हम सब में से कोई ऐसा नहीं करता, ये सुबह अपना पूरा कार्यक्रम करके फिर आते। क्या बात है, सर लव यू, मानना पड़ेगा। अच्छा अनिल सर, हमने ऐसा सुना है कि फिल्म में आप गुजराती करेक्टर कर रहे हैं। हाँ सर, गुजराती। हाँ, तो सुना है इंदु जी ने आपको सिखाया भी कुछ गुजराती? हाँ, इंदु जी ने सिखाया। अगर हम आपको कुछ डायलॉग्स दें तो आप ऐसे ही डायलॉग है, पुलिस की गोली में इतना लोहा है कि एक बार ठोक दी तो खून में कभी आयरन की कमी नहीं होगी। बोल दे यार। अरे गलत होता मुझे, प्लीज। हाँ, पुलिस ने गोली मा तो इतलू लोखंड होई के एक बार वागी गई तो मा तो कायरे लोखंड की कमी नहीं आता है। रितेश भाई यही डायलॉग अगर मराठी में बोले तो, पुलिस की गोली में इतना लोहा है, इतना लोहा है कि एक बार ठोक दी तो खून में कभी आयरन की कमी नहीं होगी। पुलिसच्या गोळीत एवढं लोखंड आहे, एकदा ठोकली ना तुझ्या रक्तात कधी लोखंडाची कमी नाही राहणार। अरे सर, आता माझी सटकली मराठी में तो आप बोलते हैं हमेशा ही, अगर ये गुजराती में बोलना होता, अरे सर, अरे पंजाबी में तो बोल ही सकते सर, अरे सर प्लीज प्लीज।
एक बार देखना है आगे चलो। आज एक्चुअली अजय सर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ी नासाज है। ऐसे आता नाकत सर्दी अटक ले। माधुरी दीक्षित के मुंह से अगर ऐसा डायलॉग आए क्या? ये 2.5 किलो का हाथ है कातिया, किसी पे पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। मजा आ जाए। मैंने कहा मजा आ जाएगा। ला, पहले ला, ला। आप हिंदी में सुना दो मैम प्लीज, कि आप मैं कितने इतने स्वीट से मुंह से, इतने प्यारे से फेस से ये डायलॉग कैसे लगेगा? अरे मैं उठ जाता हूँ। मुझे नहीं पड़ जाए। ये 2.5 किलो का हाथ है, अगर ये किसी आदमी पे उठ जाए, नहीं क्या वो आदमी उठता नहीं उठ जाता है, तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है। अच्छा सामने विलन मेरे जैसा हो ना, खुद के पढ़ने दो मैडम, पढ़ने दो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।